मेरी बात सुन भाई, मुझे छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं तुझे? मिश्रा भाई के खिलाफ जाकर तूने अपना धंधा खड़ा किया। तेरे को मालूम नहीं कि बहरामपुर में मिश्रा भाई के सामने कोई आवाज उठाने की जुर्रत नहीं करता। ये क्या किया तूने? उसने कहा मिश्रा भाई के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये जगह क्या उसकी जागीर है? उसकी है जिसमें दम है, जो वीर है। उस दिन मैं एक 10 साल के लड़के को नहीं देख रहा था, बल्कि 10 सर वाले रावण को देख रहा था। बहरामपुर को भी इस बात का जल्दी एहसास होने वाला था। सी माफिया, कोल माइनिंग, सेटलमेंट्स, एक नहीं दो नहीं, सारे गैर कानूनी काले कारोबार में उसने अपना दबदबा बना लिया था। साथ ही अपने कई दुश्मन भी खड़े कर लिए थे। उनमें से 2 जाने दुश्मन थे, मिश्रा और उसका भाई तिवारी। रावण से सीधा लड़ने में वो लोग डरते थे, इसीलिए उन्होंने एरिया के लोकल MP सरकार की मदद ली। और एक दिन रावण से कहो, 2 रास्ते हैं उसके पास। एक, हमारे पांव छू के माफी मांगे और इस जगह से चुपचाप निकल ले। दूसरा, हमारे नीचे दब के काम करें। तूने तो हमको 2 रास्ते बताए हैं ना, लेकिन रावण तुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता देगा, जो डेड एंड तक ले जाता है। रक्त रक्त खोलता, मौत से भी ना डरा, न्याय की हर से करता है ये फैसला। युद्ध के मैदान में कर्म के हिसाब से एक एक पापियों को देता है ये सजा। न भूतो भविष्य वर्तमान ब्रह्मांड अधिश्वरा न इसके जैसा होगा अब यहाँ। ये भुजाए, ये दृष्टि, ये क्रोध, ये ज्वाला तेज से तेरे अधर्मियों को दे डरा। सरकार, तुम्हें 5 साल में एक बार इसके फेंके हुए फंड्स चाहिए, या फिर रावण की जिंदगी भर की दोस्ती और साथ। रावणा, लव कुछ मेरे भाइयों, कस के पकड़ के रखना, तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। अबे ओ आलसी टट्टू, यहाँ कोई खाना वाना नहीं बना है। सरपंच के घर जाके देख खाना तैयार हुआ कि नहीं, चल जा। लव कुछ आते ही होंगे, देखो खाना तैयार है कि नहीं, जल्दी। पार्टी से लाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। मेरा प्यारा बच्चा आ गया, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बेटा। ये क्या, तुम अकेले आए हो? बेटा तुम लव हो या कुश हो? ये जरूर लव होगा। नहीं नहीं, ये कुश है। ये क्या फटे कपड़े पहने हैं? कविता, इसके लिए अलमारी से नई शर्ट ले आओ। ये लो खाओ। ए, राम का डायलॉग सुना ना? नहीं नहीं, लक्ष्मण का सुना ना। अरे रे, रुक जाओ, पहले इसको ठीक से खाने तो दो। डायलॉग कम बोलेगा अटकेगा ज्यादा। शक्लें एक जैसी पर अकले 2 कौड़ी की भी नहीं। मतलब लवकुश का तीसरा भाई भी है? ये दोनों असली हैं, ये एकदम नकली है। क्या रे जय, तुझे बताने बोला था खाना तैयार है कि नहीं, और तू लड्डू का टकरा है? वो क्या है मामा, मैं सच बताना चाहता था मामा। ऐसा क्या? हाँ, पर किसी ने इसकी बातें सुनी मामा। अच्छा, हाँ, झूठ बोलने का भी टैलेंट है। ए, भूख लगी थी तो खाना मुझसे मांग लेता, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आओ बच्चों। ए, इस झूठे को नए कपड़ों की क्या जरूरत, चलो उतारो इसे। क्या हाल कर दिया बच्चे का, कहने को तो मामा है लेकिन कंस मामा से कम नहीं। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? ये मासूम बच्चा और कितने अत्याचार सहेगा, कितना मारा है इसे। प्रभु,
मुझे माफ कर दो प्रभु, रावण मेरे पंखों को चीरकर सीता मैया को ले गया। मैं उन्हें उस दुष्ट से बचा नहीं पाया, नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। सीते, सीते। अच्छा माँ, रावण ने भगवान राम को इतनी तकलीफ क्यों दी थी? राम और लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसका अपमान किया था, जिसका बदला रावण लेना चाहता था। अपमान की आग बहुत भयानक होती है बेटा, जो एक बार जल उठे तो सबको राख कर देती। यानी रावण बिल्कुल सही था। जय। बहन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुझे वचन देता हूँ मैं, तेरे बच्चों को मैं बहुत बड़ा कलाकार बनाऊंगा। रावण कहाँ है? भाई वो अंदर नहीं है। भाई वो यहाँ भी नहीं है। चप्पा चप्पा छान मारो। सिर्फ रावण की तस्वीर देखने से तेरे चेहरे की हवा उड़ गई है? तुझमें रावण के सामने आके खड़े रहने का दम है? तू जिंदा है क्योंकि इस वक्त वो यहाँ नहीं है, लेकिन रावण की लंका में सेंध मार के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी।
छिप कर बैठा है। वेडर, अपना दोस्त अमेरिका जाने वाला है, दो लार्ज मांगता, वो भी अभी के अभी। पैसा नहीं दोगे तो ऑन द रोड सो जाओगे। 10,000 कैश कैश, बिल तो 20,000 का है, दो बार गिन लेना। ए, चुप्पे, अबे ओए, ये तो तेरी टिप है, कैश ले आज कर। वकील साहब आ जाओ। हेलो, आओ आओ बैठो ना। संजू, ये इंडिया का वर्ल्ड फेमस इरिटेशन लॉयर है। इरिटेशन लॉयर का सलाम। इरिटेशन लॉयर नहीं, इमिग्रेशन लॉयर, एक ही बात है साहब। वही तो। कैश लाए हो ना? ए, देना। वकील बाबू, ये पैसा लो, अमेरिका में चक्कर चलाओ और मुझे वहाँ का आधार कार्ड दिला दो। वहाँ आधार कार्ड नहीं होता, ग्रीन कार्ड होता है। ग्रीटिंग कार्ड भी चलेगा। ट्रम्प से जल्दी बात करो ना और मेरा वीजा का फटाफट कुछ जुगाड़ कर दो। आपके हाथ जोड़ता साहब। ट्रम्प कोई तुम्हारे गांव का प्रेसिडेंट नहीं है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन तुम अमेरिका जाने के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ चोरी करते तो 3 करोड़ रुपए मिलते, अमेरिका में चोरी करेंगे तो 3 करोड़ डॉलर मिलेंगे। और डॉलर का आज तुम बस इस पे साइन कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अमेरिका में आ रहे लाओ। भाई, अंधेरे में कोई बैग साफ कर गया। क्या हो गया भाई? यार ये डबल रोटी, किधर जा रहा है तू? पेट में डॉल भी गुड़गुड़ हो रहा है, इसलिए घर जा रहा हूँ। अच्छा, पेट से नोटों की गड्डी निकाल, पेट साफ, दर्द गायब। क्या? हमें माल हड़पना आता है, वापस करना नहीं। मार दिया। मैं हाथ की सफाई के साथ साथ तुम जैसों की धुलाई भी करता हूँ। पैसा लेके भाग रहे हैं, पकड़ इसको। इसके पेट दर्द का इलाज करता हूँ। अरे ले ले भाई, मुझे माफ कर दे। अरे भाई, अरे तेरा और निकाल। आज तो तू गया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 वर्तमान में जारी एक कर देंगे 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1,000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की। चलो रे, बाजू में आवाज दो। क्या रे, टीवी की आवाज बढ़ गई, तुम लोग की घट गई? ऐसा क्या दिखाया जो तुम वायलेंट से साइलेंट हो गए? साइलेंट ही होंगे ना भाई, आज से ये नोट बंद हो गए। अब से 500 और 1,000 के नोट बंद हो गए, गवर्नमेंट ने अभी अभी डिक्लेयर किया। लग रहा है इस नोटबंदी ने मेरी नसबंदी कर दी है। इन नोटों का क्या करें? तू दिमाग की नस मत हिला। देख क्या जिंदा या टपक गया। भाई,
क्या हुआ रे? तू खुश हूं मैं, तू जिंदा है भाई। जुबे, तुझे लगा मैं लुढ़क गया? ऐसी बात नहीं है, सालों बाद मिल रहे हैं, तुझे खुशी होनी चाहिए, नाराज क्यों हो रहा है? अरे तो और क्या करूं मैं, जानता उस दिन ब्लास्ट के बाद क्या हुआ था? उस दिन धमाके के बाद मैं सीधा जाकर पुलिस स्टेशन पर गिरा। पुलिस स्टेशन के साथ साथ आसपास का घर और खेत सब जल के राख हो गया। क्योंकि इस सब की वजह मैं था, इसलिए वो लोगों ने मुझको बच्चों लोग का जेल यानी बाल सुधार गृह में डाल दिया। जैसे वो लोग को पता चला कि मैं नाटक कंपनी में काम करता था, जेलर वहाँ का हवलदार रोज मुझसे डांस और ड्रामा करवाने लगा, पूरा टॉर्चर करके रख दिया था। ओए माँ, और ये नाटक सिर्फ महीना दो महीना नहीं, सालों तक ऐसा ही चलता रहा। हर किसी ने मेरा इस्तेमाल किया, एटीएम मशीन की तरह घिस डाला। इतना फ्रस्ट्रेट मत हो भाई। तो और क्या करूँ, नाचू? मेरे को तो लगा था तेरा ऊपर का टिकट कट गया, लेकिन तूने एक बार भी ये जानने का ट्राई नहीं किया कि मैं जिंदा या मर गया। गुस्सा मत हो भाई, एक बार मेरी भी तो कहानी सुन ले। उस दिन आग बुझाने वाले एक फायर ऑफिसर ने मुझे बेहोश पड़ा हुआ देखा और वो मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। उस हादसे से उबरने में मुझे 10 साल लग गए। मेरा अपना कोई नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने ही मेरी देखभाल की, उन्होंने मेरी अच्छी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं एक बैंक मैनेजर बन गया हूँ। वाह, तेरा लाइफ तो एकदम सेट हो गया है। तो मेरी गाड़ी के सामने आके मेरी क्यों वाट लगाई? टाइम मेरा भी खराब है। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया रे? मेरी इंसानियत, इंसानियत सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, जिंदगी में आजमाओ तो बुरा ही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अबे रोज रोज दारू के पैसे का बंदोबस्त नहीं करूँ क्या? किसी बकरे को पकड़ना। क्या बोला? और टैबलेट चाहिए? मेरे पास अब पैसे नहीं है, मर जाने दे माँ को। क्या हुआ अली भाई? डॉक्टर ने फिर से माँ के लिए टैबलेट्स लिखी है, अब तो बेचने लायक भी कुछ नहीं बचा सर। मैं कोई राजा भोज थोड़ा ही ना हूँ, मैं तो बस गरीब गंगू गार्ड हूँ। माँ को तो अब जाने ही दो सर। अच्छा ये पकड़ो, दवा कितने की आएगी? 1500 रुपया सर। पूरा खम्बा और चखना आ जाएगा, ये लो सर। अब भगवान है। प्लीज ऐसा मत कहो, जानते हो मैंने तुम्हें बिना ज्यादा सवाल जवाब किए पैसे क्यों दे दिए? तुम्हारी माँ के लिए, क्योंकि मैं माँ की कीमत जानता हूँ। ख्याल रखना। सर 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 सर, राम बाबूजी, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं उठा सकता, कम से कम ये ब्रीफकेस तो उठाने दीजिए। नहीं जी, आप बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हैं, मेरे नहीं। ऐसा आपकी सोच कितनी महान है, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। जुनेजा जी, आप रोज सुबह रजिस्टर पर साइन करके बैंक से निकल जाते हैं, फिर अगली सुबह तक अपने टेबल पर दिखाई नहीं देते। रजिस्टर पर साइन तो दिखता है पर रिकवरी का कोई नामो निशान नहीं दिखता। हेड ऑफिस से इस बारे में रोज मेल पे मेल आते हैं। आपको मेल्स पे मेल्स आते हैं सर, और मुझे बाइक पर घूमने से पाइल्स पे पाइल्स होते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो भी कार या बाइक के लोन लेते हैं वो घर पे थोड़ी मिलेंगे, हमेशा बाहर ही रहते हैं। रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है सर। रिकवरी करनी है, चलो शाम से पहले रिकवरी करके आ जाऊंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वर्जिनी, रजनी जी, गिरे हुए पेपर्स बाद में उठा लेना, पहले अपना पल्लू उठाइए। कितनी बार बताना पड़ेगा, आप समझते ही नहीं। उसका नाम वी ए रजनी है, वर्जिनी नहीं। जुड़ने के बाद वही हो जाता है, जोड़ने में जो मजा है अलग करने में कहाँ है सर। रजनी जी, रात को आपने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया? आपके घर आने के लिए। घर आने के लिए, पर क्यों? ऑडिट फाइल्स में लॉट ऑफ डाउट्स, सोचा मेरे अकाउंट्स दिखा। अकाउंट्स के पेपर्स मेरे कैबिन में भिजवा दो, मैं वहीं देख लूंगा। सिर्फ अकाउंट्स देखोगे क्या? वो गया, अकाउंट क्लोज कर दो। वैसे भी मेरे पास भी घर और मोबाइल है, मुझे भी कॉल कर सकती हो। कोशिश की थी पर घंटी नहीं बजी। सर, मदर टेरेसा के फादर आए हैं। क्या? मेरा मतलब, मैंने पहले बताया था ना सर, मदर टेरेसा ट्रस्ट के फादर है। उन्हें अंदर भेजो ना। ओके सर। सर, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते जी, बैठिए ना। मैं कुतबुलापुर से आया हूँ, वहाँ बैंक होने के बावजूद
जानते हैं मैं यहाँ आपके पास क्यों आया हूँ? आपके नेक दिल के बारे में सुन के। बताइए ना, आपकी क्या मदद करूँ? हमारे इलाके में पीने के पानी की एक बड़ी सी झील है, पर इस साल वो सूख गई है। अब तो अपने आंसुओं से हमें अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। हम इस झील की मरम्मत कराने की सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसमें फिर से पीने का पानी भर जाए, लेकिन इस काम में हुजूर 1 करोड़ रुपए खर्च आने की उम्मीद है। इससे निपटने के लिए आपको हमें लोन देना होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ हुजूर। ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे बड़े हैं। ये रहे मेरी जमीन के कागजात, ये आप अपने पास। मैंने चेक कर लिया है सर, जमीन की वैल्यू 2 करोड़ है। 1 करोड़ का लोन तो दिया जा सकता है। आजकल लोग अपने परिवार को भी अनाथ छोड़ देते हैं, पर आप दूसरों की मदद के लिए खुद कर्जा ले रहे हैं। फिक्र मत कीजिए, लोन जल्दी अप्रूव हो जाएगा। जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूंगा। चलता हूँ हुजूर। पी चुकी हूँ। तुम मुझसे मिलने कितने बजे आने वाले थे? इतने कॉल्स किए, एसएमएस किया, कोई जवाब ही नहीं। सॉरी प्रिया, फाइनेंशियल ईयर का एंड है ना, सो बैंक में एक एक अकाउंट को स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सफर का भी एंड हो रहा है, और अब मैं जा रही हूँ, गुड बाय। प्रिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तुम ये बात कितनी बार कह चुके हो? प्रिया, सब लोग हमें घूर रहे हैं। घूरने दो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए तुमने मुझे कितना तंग किया है। हेलो मैडम, एक आशिक लेट के आया, तुम तो राशन पानी लेकर उस पर चढ़ी जा रही हो। लवर्स को थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। ए, काला पत्थर, हम दोनों लवर्स हैं, ये तुमसे किसने कहा? He's my customer. कस्टमर? गलत मत समझिए, एक्चुअली ये शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से है। ये मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही है। समझ गए ना, अब अपना काम करो। प्लीज प्रिया, मेरी बात तो सुनो। अब क्या है, पापा ने इस मैरिज ब्यूरो से 90 रिश्ते जोड़े हैं। मैंने उन्हें चैलेंज किया कि 10 रिश्ते और जोड़ के मैं सेंचुरी पूरी कर दूंगी। 9 तो आराम से हो गए। 3 महीने से तुम्हारा ये एक काम नहीं हो पा रहा है। उस सलमान खान के लिए लड़की ढूंढना आसान है, पर तुम्हारे लिए नहीं। प्रिया, तुम मेरी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह जानती हो। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, कंप्लेंट्स है। एक लड़की ने बाल क्या कलर कराए वो तुम्हें पसंद नहीं आए। अगली वाली ने पायल नहीं पहनी तो वो एक्स्ट्रा मॉडल लगी। एक बहुत ज्यादा फास्ट थी तो दूसरी बहुत ज्यादा बोलती थी। आज जाकर परफेक्ट लड़की मिली तो तुम लेट आए, चली गई वो अपने घर। यानी उसमें पेशेंस नहीं है। बिना लड़की देखे उनकी कमियां बताने में तुम एक्सपर्ट हो। अब मेरा पेशेंस खत्म हो गया, मुझे माफ करो प्लीज। रुको प्रिया, ऐसा मत कहो ना, इस बार मैं पक्का पूरा ट्राई करूंगा। ओके, ये लास्ट चांस है। मैं जो लड़की दिखाऊंगी तुम्हें उसे पसंद करना होगा, ठीक है? हमारी बेटी संस्कारों की धनी है। खाना ऐसा बनाती है कि उंगलियों के साथ साथ पूरी थाली भी चाटते रह जाओगे। मैं चाय कॉफी नहीं पीता। जानती हूँ, इसलिए आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। थैंक्स। ये तुम्हारे लिए अच्छी है ना? कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। हा? अगर थोड़ी सी तुमको अच्छा नहीं लगता इसलिए थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके रखा था। बेटा चलो इनको दिखा दो। तुम्हारी तो निकल पड़ी। वैसे तुम उससे अकेले में बात करना चाहो तो कर लो बेटा। हे ऊपर वाले, इसे यहाँ तक तो ले आई हूँ, अब इसकी बात बन जाए, कोई बहाने ना बनाए। यही है मेरी दुनिया और मेरा परिवार। कुछ अपने बारे में भी बताओ। अब क्या बताऊँ? इसके पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है,
बचपन में ही इसके माता पिता गुजर गए थे। उसी से शादी करेगा जिसमें उसे अपनी माँ का भी प्यार मिले। अब तक सोते जागते जितने भी सपने देखे हैं, एक अच्छी पत्नी के ही देखे हैं। बीमार पड़ोगी तो एक बाप की तरह तुम्हारा ख्याल रखेगा, मूड खराब हो तो एक अच्छा दोस्त बन जाएगा, तुम्हारे परिवार की हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देगा सिवाय जब ये तुम्हें मंगल सूत्र पहनाने के लिए हाथ बढ़ाएगा। अब ज्यादा मत सोचो श्रावणी, तुरंत हाँ बोल दो। मेरी तरफ से हाँ है। हाँ? अरे वाह, फाइनली मेरा टारगेट पूरा हो गया। तुम्हारी भी हाँ है ना? क्या माँ का ऑपरेशन हो रहा है? सर 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 सर, मेरी सगाई की तारीख तय हो गई। प्रिया ने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। पहले जब वो मुझे फोन करती थी तो टेंशन के मारे पसीने छूटते थे, पर अब जब उसका कॉल नहीं आता तो जिंदगी में खालीपन लगता है। उसके दूर जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके कितने करीब आ गया था। सगाई के दिन अपनी मंगेतर को देखकर मुझे जितनी खुशी नहीं हुई उतनी प्रिया को देखकर हुई। हाय, हाय। भाई साहब, हम बहुत तकदीर वाले हैं, लेकिन सर्वगुण संपन्न होते हुए भी जमाई बाबू आज तक कुंवारे क्यों हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, हम जहाँ भी जाते थे ये हमेशा सच्चे दिल से अपनी बात बोल देता था, एकदम बेबाक होकर। ये नेगेटिव क्वालिटी है। नहीं अंकल, अपने दिल की बात बेबाक होकर बोलना हर किसी के बस की बात नहीं, इसके लिए हिम्मत चाहिए। आई लव यू। देखा ना, सबके सामने कैसे तुम्हारे लिए अपने प्यार का इजहार किया। उसने लव यू मुझसे नहीं कहा, तुमसे कहा। श्रावणी, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। ये सही समझ रही है प्रिया, मैं ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो मुझे समझे, और वो तुम ही हो। ये एहसास मुझे अब हुआ। I'm sorry, श्रावणी। I hope you understand. जो हुआ उसको लेकर लड़की के घर वाले प्रिया पर बहुत भड़क उठे थे। उन्होंने मैरिज ब्यूरो में आकर तोड़फोड़ कर दी। इसका पता चलते ही मैं वहां पहुंचा। क्यों आए हो यहां? पीछा क्यों नहीं छोड़ते? हमारे इस मैरिज ब्यूरो की बदनामी करने के लिए मैं तुम पर चिल्लाऊं, या फिर मेरी बेटी की सबके सामने बेइज्जती करने के लिए तुम्हें मारूं? मैंने अपनी बात गलत वक्त पर कह दी, पर जो कहा दिल से कहा प्रिया। पापा, इससे बहस करने की जरूरत नहीं है, इसे कहो यहाँ से चला जाए। सुनो तो प्रिया। सुनने के लिए अब क्या रह गया? सुनो, तुम चले जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सामने बताना प्लीज। पर्सनल लाइफ के साथ साथ मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी बुरी तरह हिल गई। चल चल, आगे बढ़, जल्दी जा। जल्दी लोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओए, माल ठीक से लोड कर रहे हो ना? हाँ हाँ, एकदम झक्कास भाई। ए, बैंक मैनेजर, आपने कहा था यहाँ झील। चपड़ गंजू, तू झील पड़ी तो खड़ा है। तो पानी कहाँ है? बड़ी मछली सारा पानी पी गई। मछली? तो वो मछली कहाँ है? वो देखो, बड़ी मछली, उससे भी बड़ी मछली, और वो शार्क। सर, ये तो गलत बात है, आपने लोगों की प्यास बुझाने के लिए लोन मांगा था। अरे वही तो मैं कर रहा हूँ, लोगों की प्यास बुझा रहा हूँ, लेकिन पानी से नहीं बुझा रहा, दारू से। देख कैसे देसी ठर्रा लोड हो रहा है। मैं कोर्ट में केस करूँगा। ए मैनेजर, ये मछलियाँ जब तक पानी में हैं तब तक नाजुक हैं, किनारे पर पहुँचते ही मगरमच्छ बन जाती हैं, तुझे जिंदा खा जाएंगी। चल निकल, फट।
मैं बार बार कहता रहा, इन्होंने बिना पेपर चेक किए 1 करोड़ का लोन दे दिया, जरूर कमीशन खाया होगा। मैंने भी जाने कितनी बार कहा है सर, लोन कोई पैम्फलेट या चंदा नहीं कि जब जिसे देखा उसे बांट दिया। हर किसी को लोन देते हैं और मुझ पर पैसा रिकवर करने का दबाव डालते हैं। क्यों? सही बोल रहा है मिस्टर लव कुमार। बैंक के मेरे कलीग्स ने चीफ मैनेजर के सामने हर बात के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। मैंने अगर बैंक के सारे पैसे नहीं चुकाए तो ना सिर्फ मेरी नौकरी जाएगी बल्कि मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। मैं इसी टेंशन में गाड़ी चला रहा था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। सबसे पहले तो इसको पकड़। दिल छोटा मत कर, तेरे भाई की स्टोरी सुनकर मुझे भी रोना आ गया यार। अबे यार, तेरा सगा भाई मुसीबत में और तू ऐसे हंस रहा है? अबे वो मुसीबत में नहीं है, बैंक में अपने नोट बदलवाने के लिए। मैं उसकी जगह बैंक में जाऊंगा, अपना टेंशन खत्म। तो कहना क्या चाहता है? सिंपल है यार, बचपन में नाटक में जब मैं लक्ष्मण बनता था तो तू राम बन जाता था, और जब तू लक्ष्मण बनता था तो मैं राम बन जाता था। हम जो भी रोल करते थे उसमें एकदम फिट हो जाते थे। कहना क्या चाह रहा है? तेरी जगह बैंक में मैं जाऊंगा, बैंक को लूटने के लिए। लूटने के लिए? अरे इसका मतलब बैंक में तेरे को फंसाने वाले हर इंसान की नींद और चैन लूटे, तुझे बेगुनाह साबित करने। ढक्कन क्या करेगा? अबे तू अपने मुंह पे ढक्कन लगाएगा क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, ये अपना सारा ध्यान अपनी वाली पर लगाएगा और उसका दिल चोरी करने की कोशिश करेगा। ऐसे कैसे चोरी कर लूं? उसने गेट लॉस्ट कहा था। अरे मेरे भाई, उसने तुझे रेड सिग्नल दिया है। मतलब लड़कियाँ ट्रैफिक सिग्नल की तरह होती है, दिल की बात सीधा बोलो तो रेड बत्ती दिखाती है, फ्रेंडशिप की बात करो तो ऑरेंज बत्ती दिखाती है, धीरे धीरे इम्प्रेस करोगे तो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और सिग्नल तोड़ दे तो? ओई माँ, मेरे भाई को फालतू में फाइन भरना पड़ सकता है। लेकिन तेरे को तो थोपड़े पे सैंडल पड़नी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सही मौके का इंतजार कर मेरे भाई। लड़की के गले में मंगलसूत्र ना पड़ जाए तब तक उसके पीछे पड़े रहे तू। अगर तेरा प्यार सच्चा है और तू मेरी तरह लकी है तो वो तुझे जरूर मिलेगी। तो अब मैं वही करूँगा और मैं बैंक साफ करूँगा। आजा संजू भाई, आजा संजू भाई, आजा संजू भाई। आलिया भट्ट मुझे किस करने वाली थी और तू बीच में आके टपक गया। हा? किस और तुम्हें? और नहीं तो क्या तेरे को? मेरा सपना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये क्या है? कॉफी है। कॉफी की बुरी आदत मुझको बचपन से ही नहीं है, सुबह सिर्फ दारू पीता हूँ मैं। वैसे नाश्ते में क्या बनाया? उपमा बनाया है। उपमा? क्या मैं जेल का कैदी दिखता हूँ जो उपमा खाऊंगा? तू जा, पराठा पाया, चिकन करी, मटन फ्राई फटाफट बना जा। गर्मा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि उससे धुआं निकलना चाहिए, धुआं। इतना गर्म क्या? शक्ल देखिए, आलिया भट्ट के सपने देखता है। भाई भाई सुपर यार, तू टाई वाई में मस्त लग रहा है यार। कुछ? अरे वाह, बिल्कुल सेम टू सेम कलर, जेरोक्स कॉपी। यार जब मैं नहीं समझ पाया, सच कह रहा हूँ, बैंक वालों की क्या मजाल। अच्छा कुश, ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। मन्ना इच पड़ेगा, सुबह सुबह उठ के इतना कुछ बना डाला। तुमसे मिलने की खुशी में रात भर नींद ही नहीं आई, क्या करता। अच्छा जरा संभल कर, बैंक में सब लोग बहुत चालाक हैं। वो सिर्फ चालाक होंगे, ये उनका भी बाप है। ओ, फिर मुंह खोला इसने। लव तू वैसे भी फिकर मत कर, फिकर अब वो लोग करेंगे। गाड़ी भी चोरी की और बीवी को लेके भी भागा। चोरी थोड़ी किया, मैंने तो सिर्फ लिफ्ट लिया। अब ले तेरी बीवी और तेरी गाड़ी, बाय। नए टीवी का इंतजाम कैसे करूं जान, कुछ दिनों से बैंक मैनेजर भी नहीं आ रहा है। क्या माँ को टीवी हो गया? मेरे पास तो माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करने का पैसा तक नहीं है। क्या हुआ अली? डॉक्टर ने माँ को टीवी बताया है सर। बाप रे बाप, तो माँ को मार क्यों नहीं देते? माँ को मार देना। ठीक है सर, जैसा आप बोले, अब माँ को मार ही डालना पड़ेगा। तो एक काम कर, अपनी माँ को यहाँ बुला, इस शुभ काम में मैं तेरी मदद कर दूंगा। अपनी माँ को यहाँ बुला तो ना अली। इलाज के डर से वो घर से भाग गई सर। अच्छा, मेरी माँ सालों पहले मर गई थी सर, मुझे उनके पास मत भेजिए। अब सुन, मेरे जैसे भले दिखने वाले आदमी से तूने जो जो चुराया सब माल वापस कर। आपका जैसे दिखने वाले मतलब? ये मैंने क्या बोल दिया? मैं अपने अंदर के भले इंसान की बात कर रहा था, मेरा पैसा वापस कर। 24 घंटे का टाइम दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। ए झकास, तब तक ये छुट्टे रख लेता हूँ। 2000 के नोट को छुट्टा नहीं कहते सर। चल निकल। अरे ओ बैंक के मेरे भाई बहन लोग, ऑडियंस मेरी एक्टिंग देखकर सीटी बजाती है, लेकिन तुम लोगों ने हमारे सीनियर्स के सामने मेरे भोले भाले कैरेक्टर की सीटी बजा डाली। आपका कैरेक्टर कैसे बदल गया सर? अरे तूने नोटिस कर लिया? हम गलत लोन लेने के लिए एड्रेस बदलते हैं, रिकवरी ना हो तो फोन नंबर बदल देते, तो तुम्हारे जैसे लुच्चोकले में कैरेक्टर नहीं बदल सकता क्या? चलो बस।
लव। अबे ओए, अब तक तूने ऑफिस के नाम पर बहुत ऐश कर ली, लेकिन अब नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे बैंक के दिए हुए सारे लोन्स की रिकवरी करनी है, एक एक लोन की, समझा? वरना फिर कल की हेडलाइंस होंगी, लुटेरों ने बैंक लूटकर एक एम्प्लॉय की जान ले ली। समझ गया सर, वो जान मेरी ही होगी ना। स्मार्ट बॉय। वर्जिनी नहीं सर, बी ए रजनी। ऐसा क्या, तुझे वर्जिनी बुलाओ तो प्रॉब्लम है क्या? बुलाओ ना। तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? जब बॉलर और बैट्समैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अंपायर को क्या प्रॉब्लम होगा? तो अंपायरिंग कर और ये गन पकड़। तुझे अकाउंट्स में बहुत डाउट्स थे ना, तो आज लंच ब्रेक में लॉकर रूम में बैठ के एक एक अकाउंट खोल खोल के देखेंगे। लॉकर रूम में वहाँ बहुत अंधेरा है, सारे अकाउंट्स अंधेरे में ओपन कर देंगे। हाय हाय, अंधेरे में मेरी आज बत्ती गुल होने वाली है। हेलो, सब कुछ ठीक है ना? एकदम कड़ा। okay. दोपहर को सारा कैश लेकर रेडी रहना, नोट बदलेंगे और रात को इस शहर से चलती मार लेंगे। नाइस, ये वाली बहुत अच्छी है ना। हाँ, वो वाली भी देख, एक चूज करना। हाय। हाय। तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई, उसके लिए थैंक्स। इट्स ओके। ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है। और ये वाली कलर बहुत अच्छा है ना? तुम पर तो हर कलर अच्छा लगता है प्रिया। वैसे ओकेजन क्या है? मेरी शादी। What? हाँ, पता है हमारे मैरिज ब्यूरो में 100वीं शादी किसकी है? मेरी। एक कार्ड दे। प्रिया। It's all because of you. Happy now? प्रिया। प्रिया, प्रिया please. चाहो तो मैं तुम्हारे पापा से एक बार बात करूँ। नहीं, तब तो वो कल ही मेरी शादी करा देंगे। कम से कम इस हफ्ते तो मुझे खुश रहने दो, प्लीज चले जाओ। आधे घंटे से अंदर है, बाहर कब आएंगे? हाँ? वो उसे ऐसा क्या दिखा रही होगी? हाँ? हाँ? लव, कहाँ चले गए? अरे बेबी, जल्दी आओ, पकड़ो। कुछ पकड़ने के लिए बोल रहा है? क्या पकड़ने के लिए बोल रहा है? अरे भाई, मुझे किसे बताओगा? कहाँ हो तुम? माय लव, उतारो क्या? नहीं नहीं, अभी मत उतारो। ये बैंक है या बैंकॉक? लगता है जैसे दो प्यासे कुएं में डुबकी लगा रहे हैं। लव, सन कहाँ हो? मुझे तो लगता है सर, वर्जिनी को उसका वर मिल ही गया। मुंह बंद कर वरना तेरा अकाउंट क्लोज कर दूंगा। चुप। लव, लव, तो तुम यहाँ हो? छोड़ो मुझे। हाँ? ये पकड़ो। चाबियाँ इसके पास। सर्च एवरीवेयर, कम ऑन कम ऑन, जल्दी करो जल्दी करो, सबकी तलाशी लो। जानो मेरी माँ। यहाँ का ब्रांच मैनेजर कौन है? वो लॉकर रूम में अकाउंट सेटल कर रहा है और आपके पिछवाड़े छुपा हुआ है। ये है मैनेजर। वी आर फ्रॉम CBI। डीमोनिटाइजेशन के बाद कई बैंक मैनेजर्स हवाले का काम कर रहे हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ भी पुराने नोटों को नए नोटों से बदला जा रहा है। जब तक आपके सारे बैंक अकाउंट टैली नहीं होते, बैंक में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सील द लॉकर रूम। हाँ सर। रुको रुको। ओ, मेरी गड्डी लेके क्यों भागा? ए, इनका भाड़ा दे दे। कितना हुआ? ए, ये किराए की नहीं चाहिए तो छोड़ और चल। भाई भाई भाई, देखो, अगर किस्मत साथ देती तो अमेरिका में हम ऐसी ही गाड़ी में घूम के। पहले दिमाग का भजिया हो गया, उस पे चटनी मत डाल तू। भाई 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 भाई, मुझे फेसबुक पर एक फोटो अपलोड करनी है, एक फोटो खींचो ना प्लीज। प्लीज चल, बोल दे। चल रहे, बहुत हो गया फोटो वोटो। कैसा दिख रहा हूँ मैं? एकदम सॉलिड। ऐसा रापचिक बन के कहाँ जा रहा है तू? वो प्रिया की शादी होने वाली है तो उसने मुझे अपनी कॉकटेल पार्टी में इनवाइट किया है। उसकी शादी हो रही है और तू कॉकटेल में नाचेगा? तूने ही तो कहा था ना, जब तक गले में मंगलसूत्र नहीं डल जाता तब तक चांस होता है। इसने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया। लेकिन तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? CBI बैंक का लॉकर सील करेगी तो चेहरा उतरेगा ना। लॉकर रूम सील हो गया तो चेहरा उतरा हुआ क्यों है? लॉकर में कैश बंद होगा तो बैंक कैसे चलेगा? लॉकर की इतनी फिक्र मत कर मेरे भाई, मेरे जॉब की कर। सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है, अगर तूने राजा बहादुर वर्मा से 1 करोड़ की लोन की रिकवरी नहीं की ना
तो सिर्फ जॉब नहीं जाएगी, मैं सलाखों के पीछे भी जाऊंगा। अच्छा हो गया तूने मेरे को याद दिला दिया। अब तू टेंशन को पेंशन दे और पार्टी एंजॉय कर, मैं उससे लोन के पूरे पैसे रिकवर कर लूंगा। थैंक्स भाई। बॉटल्स होती तो काउंट करने में आसानी होती, ये टैंकर्स क्यों लगाए हुए हैं? ये सारे मिला के कितने बॉटल्स होंगे? सर आज के पार्टी के लिए 4 से 5 टैंकर्स की जरूरत पड़ेगी। 4 से 5? हेलो, बिल देने के लिए घर बेचना पड़ेगा। बाल्टी में पानी भरो और ऊपर चढ़ के इन टैंकर्स में जाके भर दो। सर ये बियर टैंक्स है। बार में पानी की कमी है क्या? रम, विस्की या कॉकटेल में पानी मिला के नहीं देते हो? मुझे सिर्फ बॉटल चाहिए। ओके सर। हाय उबलेश, क्या बात है? कॉल किया था? बेबी, कॉल मी ओबू, ओबू, ओके? आई वांट यू टू मीट माय चटी बड़ी फ्रेंड्स, डल्लास बासु, वॉशिंगटन बासु, बोस्टन बोस। हेलो, बैंक मैनेजर लव कुमार। हाय, तुम्हारा दोस्त है? नहीं, कस्टमर। अरे रिलैक्स यार, मेरी फियांसे एक मैरिज ब्यूरो चलाती है, वैसा क्लाइंट, समझे ना? तुम यहाँ भी? तुमने तो इनवाइट किया था। ब्रो, तुम्हारी शादी इसने फिक्स की? ओ, हुआ कुछ ऐसा ना कि जब मैंने ये सब कुछ बोल दिया। चलो तुम्हें अपने बाकी के फ्रेंड से मिलाती हूँ। प्रिया, 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 क्या हुआ? कम सुनो। एक्सक्यूज मी, एक ड्रिंक देना प्लीज। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, बोलो क्या बात है? प्रिया ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा था। तो इनवाइट करने आए हो? नहीं नहीं, देन वो शादी कैंसिल हो गई। ओह, आई एम सो सॉरी मैन। कैसे? सगाई के दिन मैंने प्रपोज किया, किया उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी फ्रेंड्स तुमसे मिलने का इंतजार कर रही हैं। चलो यहाँ से। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। लुक एट दिस इनोसेंट फेस। सगाई के दिन अगर कोई लड़की आई लव यू बोले तो गले लग के किस करना चाहिए। कैन शादी कैंसिल कर दी। ऐसे नमूने कहाँ से जुड़ती हो तुम? नहीं नहीं दोस्त, इसमें प्रिया की गलती नहीं है, मैंने प्रिया को ही प्रपोज किया था। वन साइडेड लव, तुम इसकी फिक्र छोड़ो। चलो प्रिया सुनो, तुम चले जाओ। प्रिया फिर से इस बार सच में आई है, जल्दी आना। ओबू, यूएस जाने से पहले पक्का टपोरी था। मेरी फियोन से पहले ही बता चुकी है कि ये वन साइडेड लव था, उसका पीछा करना तू बंद कर दे, तेरा कोई चांस नहीं है। अरे नहीं नहीं, चांस तो तब तक होता है जब तक गले में मंगलसूत्र नहीं डलता। ओबू, मेरी फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रही हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स को और कोई काम नहीं है क्या? इनको देखकर पता चलता है कि सब मुफ्त की शराब पीने आए हुए हैं। सारे फालतू लोग यहीं बैठने आते हैं और एक तुम हो जो बार बार मुझे यहाँ से खींच कर ले जाती हो। प्रिया मुझे तुमसे बात करनी है। ये फिर से शुरू हो गया। प्रिया तुमने उस दिन उस लड़की से मेरे बारे में जो कुछ कहा, इसलिए कहा था कि वो मुझे पसंद करे, या फिर तुम्हें मुझमें वो खूबियाँ दिखती हैं? अच्छे से सोच के मुझे बताना। अरे ये मैनेजर इधर क्यों आ रहा है? उसे देखकर तू क्यों डर गया? उसके सारे पुर्जे बदल चुके हैं, इसलिए डर लग रहा है। क्या भाई, तुमने हमारी गाड़ी क्यों चोरी की? चोरी नहीं की रे, बस शुभ काम के लिए साईं बाबा की थोड़ी हेल्प ले ली। दिल से लो बाबा का नाम। अरे राम बाबू, इस सूखी झील में तू क्या कर रहा है? हल्का होने आया क्या? जी 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 जी। क्यों बैंक मैनेजर, तू फिर से क्यों आ गया? संडे है ना, तो सोचा मस्त मच्छी खा लो यहाँ के। एक कीड़ा रेंकर झील में आ गया है, निकाल कर गटक जाओ इसे। मार रे। अरे ये मछली तो पकने से पहले ही बासी हो गई। नेक्स्ट आइटम प्लीज। अरे अरे, इज्जत की नीलामी, चट्टी पहन के फूल खिलाए। इसको बोलते हैं मछली तंगड़ी कबाब। ए रावस, रावस मेरी फेवरेट फिश है। इसको तो सबसे पहले अच्छी तरह धोने का, फिर नमक मिर्च का। अभी क्या करना है? उसको छील दे, अब तलेगा
कर सुहा फैंटास्टिक आइडिया दोनों जाओ अरे रोहू कतला दोनों आ गए देखो मेरी टाई या शर्ट को कुछ भी मत करना है इंसर्ट करने में और ऊपर से टाई पहनने में ना घंटों लग जाते प्लीज प्रॉब्लम को समझो अरे अरे, अरे, अरे क्या कर रहे हो ये कोई आम मछली या केकड़ा नहीं है ये लीच है जब तक जलाओगे नहीं पीछा नहीं छोड़ेंगे सही जवाब और कोई है क्या ये लो तुम्हारे 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ मेरे को तो 3 करोड़ चाहिए प्लान बी अब मैं तुमसे लेने नहीं देने आया था जो दे रहे हो काफी नहीं है क्या रख लो ना सर आप इन्हें क्या देना चाहते थे पहले तो इसको पकौड़े लाने बोलो मैं क्यों लेके आऊं क्या और चाय भी लाता हूं भाई क्या हुआ चलना आराम से बैठ के बात करते हैं लव कुमार भाई अब मामला समझ में आ गया आपकी कैपेसिटी भी मैं जान गया मैनेजर के तौर पर आप 5 करोड़ का लोन दे सकते हैं मुझे आपको निकम्मा नालायक समझकर मैंने सिर्फ 1 करोड़ का लोन ही मांगा आपसे गलती कर दी ठीक है मैं आपको 30% शेयर दूंगा और आज से हम दोनों पार्टनर हेलो पटेल साहब हाँ जी क्या कहा फिर से ओह नो फैसला फाइनल हो गया क्या चलो अब हो गया तो क्या कर सकते हैं ओके थैंक यू पता है किसका फोन था उर्जित पटेल का हार्दिक पटेल का भाई नहीं पकड़ी आरबीआई गवर्नर कल रात के बाद 2000 के सारे नोट बैन होने वाले फिर से मेरे को भी ऐसे झटका लगा था कल जब बैंक में 5000 का नोट का सैंपल आया था ना तभी मेरे को डाउट हो गया था बस ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी फैसला ले लेंगे 5000 के नोट कहाँ हैं देखना है क्या एक मिनट दिखाता हूँ ये इतना बड़ा क्यों है पार्टनर 5000 का नोट है बड़ा तो होगा ही ना पार्टनर प्लीज प्लीज मेरे पास 2000 के बहुत सारे नोट पड़े हैं मेरी हेल्प करो प्लीज प्लीज जगह प्रेशर मत डालो ओके पूरे 5 करोड़ है अब बाय 2 दिन के अंदर सब बदल दूंगा पार्टनर वो 5000 का नोट मुझे दे दो ना ओ अच्छा तेरे को वो चाहिए ये ले रख अच्छे से रख दिल से लगा के रखेंगे दो फ्रेम करके रख दे हार भी चढ़ा देना बहुत बड़ा है और अच्छा भी है दस लाख का बिल इतनी शराब किसने पी सर हमने 10000 का डिस्काउंट भी दिया है सर काहे का डिस्काउंट बिल हाथी जैसा और डिस्काउंट एकदम चींटी जैसा तुम लोगों को अक्ल कब आएगी दादाजी बुला रहे हैं चल हाँ पता नहीं भगवान उन्हें कब बुलाएंगे कार्ड स्वाइप कर और इसे दफा कर ठीक है जम के पढ़ाई करना बेटा ठीक है दादाजी आपने मुझे बुलाया क्या सब लोग यहाँ हैं तू बाहर क्या कर रहा है अच्छा यही बातें करके आपने मुझे यूएस से बुलाया अगर प्रिया और उसके परिवार को यूएस बुलाया होता तो शादी सस्ते में निपट जाती हमारी अब देखो अब ये पार्टी भी ना पार्टी नहीं सजा लग रही है मुझे ये सब तू भूल जा उस लड़की को देख जिससे तू शादी कर रहा है तू यूएस से इतना लेट आया तुझे प्रिया को जानने का मौका ही नहीं मिला ओ मैं उसे अच्छे से जानता हूँ प्रिया यानी एकदम अचार जैसी प्रिया यानी कैरी जैसी खट्टी खट्टी इमली जैसी चटपटी मिर्ची जैसी तीखी और नमक जैसी नमकीन ऐसा अचार अमृतसर से लेकर अमेरिका तक में मिलता है प्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ और तू अचार अचार किए जा रहा है सर प्रिया वो है जो सादगी और सुंदरता की मूर्त है फिर से टपक पड़ा क्या उसे कॉफी पीना बहुत पसंद है फिर चाहे वो खुश हो या उदास कॉफी पीना नहीं भूलती उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और पेशेंस दोनों कूट कूट के भरा है अपने करियर से ज्यादा फैमिली को अहमियत देती है ये इसलिए अमेरिका में जॉब को ठुकरा कर यहाँ अपने पापा के बिजनेस को संभालने में लग गई बल्कि अपने पापा की खातिर ही अमेरिका में रहने वाले एक लड़के से शादी कर रही है सही मायनों में कहा जाए तो प्रिया जहां कहीं भी जाती है वहां खुशी और रौनक भर जाती है तुम कौन हो वो जो प्रिया से प्यार करता है फिक्र मत कीजिए वन साइडेड लव है
मेरी बेटी न जाने तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी है, फिर भी बेशर्मों की तरह उसके पीछे पड़े रहकर हमें तंग करते रहते हो। एग्जैक्टली सर, यही तो मेरी भी समझ में नहीं आता। जब से आपकी बेटी को प्रपोज किया है तब से ये मुझे बस जाने के लिए कहती है, पर ये कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। बस एक बार प्रिया मुझसे ये कह देना तो मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। वो क्या कहेगी तुमसे? मैं पापा प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। देखा ना आपने सर, अभी भी मुझे जाने के लिए ही कह रही है पर ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं करती। तुम तो सबके लिए लाइफ पार्टनर्स ढूंढती हो, अपने लिए सही पार्टनर को मत ठुकराओ प्रिया। हाफ डोसा क्यों दिया भाई? हाफ नहीं है, मेरा हार्ट है। प्रिया तुम यहाँ कैसे? तुमने सही कहा था, मुझे सही लाइफ पार्टनर को ठुकराना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने पापा को अपनी फीलिंग्स के बारे में सब बता दिया। क्या बता दिया? बुद्धू यही कि प्रिया सुबह से न्यूज चैनल देख रहा हूँ, 5000 के नए नोट के बारे में कहीं भी कोई न्यूज नहीं है। न्यूज चैनल में कुछ नहीं दिखेंगे, डिस्कवर चैनल देखो, सिर्फ वहीं पर भलती भलती चीजें दिखाते हैं। डिस्कवरी चैनल लगा। पार्टनर 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 एक छोटा सा और फेवर कर दो प्लीज। मुझे आज अपनी पैंट की जेब में 3 2000 के नोट मिले, उन्हें भी चेंज करवा दो ना प्लीज। रख ले यार, वरना तेरी कैसी कटेगी। मेरा मतलब उन्हें यादगार के तौर पे रख ले भाई। जा रहे गोविंदा गोविंदा, हमने मन्नत मांगी थी कि तेरी लव स्टोरी हिट होगी तो हम तिरुपति जाके बात कर पाएंगे, वहीं जा रहे हैं। चल 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 गोविंदा। सुनो कुश, थैंक्स मेरे भाई, तूने मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी। असल प्रॉब्लम जाने के बाद शुरू होगी। पैसे तो है ना? 5 करोड़। इसका मतलब 500 के 5 नोट। कुछ भी बोलता है, ये पैसे रख ले। ये मैं तेरे नाम से चढ़ावा चढ़ा दूंगा, चलता हूँ। संभल के जाना। छान मारो सर। बात क्या है सर? इन्होंने तुम पर अपनी बेटी को किडनैप करने का केस फाइल किया है। मैं क्यों किडनैप करूंगा सर, ये क्या माजरा है बताओ? आपको देखा मैंने कल रात को दीदी से बात करते हुए। मुझे सर इसे गलतफहमी। तुम हमारे साथ ये घिनौना खेल क्यों खेल रहे हो? मेरी बेटी की शादी तोड़वा दी, आज तक उसने मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया था, पर तुमने उसे ऐसा भड़काया कि वो मेरे खिलाफ हो गई। बताओ कहाँ है वो? मुझे सच में नहीं पता सर। अब बात करो सर। लॉकर रूम में आपने जो पुराने नोट बदले थे ना, उसका फुटेज सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है सर। सीबीआई ने वो फुटेज देख लिया है, मैं बस यही आपको बताना चाहती थी। आपने मिस्टर राजा के पैसे रिकवर करने के बाद भी बैंक को वापस नहीं लौटाए, इसलिए जीएम सर ने भी आप पर केस फाइल किया है। मैंने कब पैसे रिकवर किए सर? सर मुझे अभी कभी बैंक जाना होगा सर प्लीज। पहले तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। सर प्लीज पहले बैंक चलो। सर तेरी जगह बैंक में मैं जाऊंगा, बैंक को लूटने के लिए। सीबीआई बैंक का लॉकर सील करेगी तो चेहरा उतरेगा ना। इसका मतलब 500 के 5 नोट, कुछ भी बोलता है। सर सर मैं सब कुछ समझ गया, ये सारा किया धरा मेरे भाई का है। क्या कह रहे हो? यही सच है सर, हम दिखने में एक जैसे हैं, इसी बात का उसने फायदा उठाया, सपने में भी नहीं सोचा था वो ऐसा करेगा। धोखेबाज कहीं के सरे भी, ये चूरन का नोट दिखा के 5 करोड़ मैंने कुछ नहीं किया। मेरे 5 करोड़। स्काउंडरल, दिखाई नहीं देता, पुलिस खड़ी है, चमड़ी उधेड़ दूंगा। कुछ कहना है तो पुलिस स्टेशन चलो।
सर आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? सर प्लीज, सर प्लीज, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सगे भाई ने एक जैसी शक्ल होने का फायदा उठाया है। पता है, कहीं वो तो नहीं? मैंने तुझ पर विश्वास किया, अपने सगे भाई को धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? मेरे को पैसे चाहिए थे। तुझे अपना भाई बोलते हुए शर्म आती है? बता मेरी प्रिया कहाँ पर है? उसका इससे क्या मतलब? प्रिया की बहन ने कहा कि मैं उसे अपने साथ ले गया, वो मैं नहीं था तो पक्का तू ही होगा। मेरे को पैसे से ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं है। फालतू इल्जाम लगा के मेरे कैरेक्टर की धज्जियां मत उड़ा। ज्यादा बन मत। मैं कोई बन बन नहीं रहा, तू बन रहा है। मैंने अपने चुराए पैसे तेरे घर में छिपाए थे और तूने सारे हजम कर लिए। ऊपर से खर्चे के लिए पैसे दे रहा था, करोड़ों खाया चिल्लर थमाया। ये तो क्या कह रहा है भाई? जो सच है, संजू ने तेरे को रात को बैग पैक करते हुए देखा था, उसको लगा कि तू मैं हूँ। पैसे चेक करने के लिए जब मैंने बैग खोला तो उसमें पैसे नहीं तेरी चड्डी बनियान थी। बहुत शाना निकला तू, बहुत को घुमा मत। जल्दी बता मेरी प्रिया कहाँ है? प्रिया कहाँ है मुझे नहीं पता, मेरा पैसा कहाँ है वो बता। प्रिया को कहाँ छुपा है? मेरा पैसा कहाँ छुपा है तूने? या तो तेरे पास या मेरे पास होनी चाहिए ना, उसको और कौन लेके जाएगा? पैसे या तो मेरे पास होने चाहिए या तेरे पास, और कौन? क्या बोला तू? प्रिया या तो तेरे पास होनी चाहिए या मेरे पास, उसको और कौन लेके जाएगा? हमारा तीसरा हम शक्ल ले गया हो तो। ये तो क्या कह रहा है? जिस तरह तू जिंदा है, जिस तरह मैं जिंदा हूं, उसी तरह जय भी जिंदा हो सकता है। उसको जय नहीं, रावण महाराज बोल। अब बस, उसके डर के साए में अब कोई नहीं जिएगा। हम जिस जमीन पर जन्मे हैं उस पर उसका कोई हक नहीं। क्या उससे डर के ऐसे ही जीते रहेंगे या फिर उसको मार के सर उठा के जीना है? जिसने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है, ऐसे रावण के साथ क्या करना चाहिए? मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। उस रावण की मूर्ति को मैं खाक कर दूंगा जिसे वो पूछता है। वो मुझे रोकेगा, यहाँ आएगा तो उसे भी जला दूंगा। धनुष ला, मशाल ले आ। Asura, 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 Asura. विश्वनायक तू राज, राज्य शौर्य तेरा, ज्वाला ज्वाला क्रोध ये ज्वालामुखी से भरा। जय जय है तेरी शक्ति ये अपार है, तेरे तेज को सूर्य का भी नमस्कार है। ओ तू योद्धा विनाशक, तू राजा तू शासक, रक्त श्वेद से प्रजा के लिए तू लड़ा। प्रचंड क्रूर दानव, आग से तेरी दुश्मनों का सिर कटा। Thank you.
के लिए समंदर पार करना पड़ता है और उसी रावण को मारने के लिए बड़ा जिगर भी होना चाहिए। है क्या? है क्या जो मेरी लंका तबाह करना चाहता है? उसका क्या हश्र करना चाहिए? क्या उसे मार डालना चाहिए या पूरे गांव को तबाह कर देना चाहिए? मार डालना चाहिए। रावणा जगदीश्वरा, रावणा जन देवता, प्रॉब्लम सिर्फ पैसे का नहीं है, मेरे पासपोर्ट का भी है। बिना पासपोर्ट के अमेरिका जाने का कोई रास्ता है? एक जबरदस्त रास्ता है। हाँ तो बोलो ना। तुम इंडिया में ही रहो। हेलो, जल्दी करो, ये कोई बात करने की जगह नहीं है। बाहर आके करो। क्या हो रहे? हमारे पास भी फोन है, बात करनी शुरू की तो हल्का नहीं हो पाओगे। पहले देख तो अपनी जेब में तेरा फोन है कि नहीं, ये ले। अरे इतना टाइम क्यों लगा? अभी जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा ही ना। चल होगा जय तुम लोग का भाई, और वो हम लोग का सगा भाई है। भाई अब जाके याद आया? हमें तो अभी पता चला कि वो जिंदा है। कैसा है हमारा भाई? जय के रावण बनने की वजह तुम दोनों हो। उस दिन आग का भड़कना कोई हादसा नहीं था, वो जय के अंदर भड़क रही इंतकाम की आग थी जो बाहर उस दिन कहर बन के बरसी और उसने उसके अंदर की अच्छाई को स्वाहा कर दिया। तुम दोनों ने ना तो जय को एक कलाकार का दर्जा दिया, ना एक भाई का और ना ही एक इंसान का। वो अपनी पहचान बनाने की फिराक में था और तकदीर उसे बहरामपुर ले आई। मेरी बात सुन भाई, मुझे छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं तुझे? मिश्रा भाई के खिलाफ जाकर तूने अपना धंधा खड़ा किया। तेरे को मालूम नहीं कि बहरामपुर में मिश्रा भाई के सामने कोई आवाज उठाने की जुर्रत नहीं करता? ये क्या किया तूने? उसने कहा मिश्रा भाई के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये जगह क्या उसकी जागीर है?
उसकी है जिसमें दम है, जो वीर है। उस दिन मैं एक 10 साल के लड़के को नहीं देख रहा था, बल्कि 10 सर वाले रावण को देख रहा था। बहरामपुर को भी इस बात का जल्दी एहसास होने वाला था। सी माफिया, कोल माइनिंग, सेटलमेंट्स, एक नहीं दो नहीं, सारे गैरकानूनी काले कारोबार में उसने अपना दबदबा बना लिया था। साथ ही अपने कई दुश्मन भी खड़े कर लिए थे। उनमें से 2 जाने दुश्मन थे, मिश्रा और उसका भाई तिवारी। रावण से सीधा लड़ने में वो लोग डरते थे, इसीलिए उन्होंने एरिया के लोकल MP सरकार की मदद ली। और एक दिन रावण से कहो, 2 रास्ते हैं उसके पास। एक, हमारे पांव छू के माफी मांगे और इस जगह से चुपचाप निकल ले। दूसरा, हमारे नीचे दब के काम करें। hey, तूने तो हमको 2 रास्ते बताए हैं ना, लेकिन रावण तुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता देगा जो डेड एंड तक ले जाता है। रक्त खोलता, मौत से भी ना डरा, न्याय की हर से करता है ये फैसला। युद्ध के मैदान में कर्म के हिसाब से एक एक पापियों को देता है ये सजा। न भूतो भविष्य वर्तमान ब्रह्मांड अधिश्वरा न इसके जैसा होगा अब यहाँ। ये दृष्टि, ये क्रोध, ये ज्वाला तेज से तेरे अधर्मियों को दे डरा। सरकार, तुम्हें 5 साल में एक बार इसके फेंके हुए फंड्स चाहिए, या फिर रावण की जिंदगी भर की दोस्ती और साथ। रावणा जगदीश्वरा, रावणा भैया, आप रावण के लिए क्यों काम करते हैं? मुझे इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। भैया, विश्व विश्व नायक तू, राज्य राज्य शौर्य तेरा, ज्वाला ज्वाला क्रोध ये ज्वालामुखी से भरा। जय जय है तेरी शक्ति ये अपार है, तेरे तेज को सूर्य का भी नमस्कार है। विनाशक तू, राजा तू, शासक रक्त श्वेत से प्रजा के लिए तू लड़ा। तू अघोरा प्रचंड क्रूर दानव, आग से तेरी दुश्मनों का सिर कटा। रावणा जगदीश्वरा, रावणा जन देवता। चल फोन। हेलो, जाने दो मुझे, अरे हटो, हटो, जाने दो। इसे क्या हुआ? इस दुनिया में हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह रावण और सरकार का रिश्ता भी एक्सपायर होने वाला था, और इसमें भूमिका निभाई समाज पार्टी के लीडर धनंजय शास्त्री ने। समझ रहे हो ना? तुम बस हाँ कर दो। MP की सीट के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। ये बताइए, रावण और सरकार का रिश्ता जानने के बावजूद आपने ये पूछने की हिम्मत कैसे की? किसी और को इलेक्शन में जीताना एक बात है, खुद जीतना अलग बात। पहचान सिर्फ जीतने वाले को ही मिलती है, पीछे खड़े होने वाले को नहीं।
इसके बारे में सोचिएगा जरूर। ए रावण कैसा है? कूल कूल। शास्त्री यहाँ क्यों आया था? तुम्हारे खिलाफ रावण को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए। पोस्टर का हीरो और चिपकाने वाले जीरो में इसको फर्क ही नहीं पता डैड। डैड ये हमारे लिए नौकरी करता है और वो लोग इसे पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं। अरे रागेरा नत्थू, पॉलिटिशियन बनने की औकात नहीं रखता रावण। आप भी क्या इनकी बातों को सीरियसली ले रहे हो डैड? जस्ट इमेजिन रावण को बिना हकलाकर पॉलिटिक्स बोलने को कहो। देवा बैठ जा। पॉलिटिक्स बस कर। इसे बोल। देवा रावण तू मेरे बेटी की जबान ऐसे कैसे काट सकता है? गनीमत है मैंने सिर्फ जबान काटी, वरना मैं तो इसकी गर्दन अलग कर देता। लेके जा इसको। भूल मत जाना मैं इस इलाके का रूलिंग MP हूँ। और तू मत भूलना कि मैं यहाँ का MP बनने वाला हूँ। रावण ने पॉलिटिक्स में कदम रखने का फैसला किया और इसीलिए वो दिल्ली गया। तिवारी अपने भाई मिश्रा की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो सरकार से मिला। उसने रावण की लंका पर हमला किया। रावण वहां नहीं था और उसने रावण के खास आदमी तपन को मार डाला। पूरा शहर छान मारा, तिवारी कहीं नहीं मिला। महाराज काका, इसका जिम्मेदार जो भी है वो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। सिमरन, मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं है, तू है। तेरे पापों की सजा मेरे भाई को भुगतनी पड़ी, तेरे साथ रहने की वजह से वो मारे गए। रामपुर वासियों, मैं नहीं जानता था कि वो राक्षस है। ऐसे हैवान को अपने साथ रखकर मैंने गलती की है और इस गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप लोग क्या ऐसे शैतान को पार्लियामेंट भेजने की भूल करेंगे? ऐसे गुंडे की जगह राजनीति में नहीं जेल में होनी चाहिए। आपसे वोट मांगने आए तो उसे भगा देना। याद रखिए हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी है और मैं इस पार्टी का MP हूं। अगर वो यहां आकर आपको धमकाने की कोशिश करेगा मैं खुद उसे जेल भिजवाऊंगा। बहरामपुर के भाइयों और बहनों, आपकी खुशकिस्मती है कि रावण महाराज यहां से MP बनकर दिल्ली जाकर आपका नेतृत्व करेंगे। हम हर औरत को 2,000 रुपए और हर आदमी को शराब देंगे। काका, भीख मत मांगो, ये वोट देंगे पर नाई के कुमार दूंगा मैं। हम तेरे को क्यों वोट दे? हमारी जिंदगी तबाह करने के लिए, इस गांव को शमशान बनाने के लिए। ये देख मेरा एक लौता बेटा ईमानदारी के साथ पुलिस की नौकरी कर रहा था और तूने उसकी वही नौकरी छीन ली। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं शाप देती हूँ, मेरी हाय लगेगी तुझे। क्या करेगा तू? चुप हो जा वरना मार दूंगा। ये क्या कर रहा है? इतना इतना
तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। धमकी और ताकत की जोर पे तुम्हें वोट नहीं मिलेंगे, उन्हें खुश करके हाथ जोड़ के मिलेंगे, जरूरत पड़े तो उनके पैर भी पकड़ने होंगे। मैं ये नहीं करूंगा काका। रावण, एक शेर भी प्यास बुझाने के लिए अपनी गर्दन झुका देता है। तुम्हें लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए जनता जनार्दन के सामने झुकना होगा। आज हालात बिल्कुल अलग है, वो रूलिंग पार्टी में है और हम इलेक्शन में धांधली नहीं कर सकते। रावण नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो सोचने लगा। ठीक उसी वक्त रावण ने मैरिज ब्यूरो में तुम्हारी दी हुई एड देखी। रावण का दिमाग चलने लगा। हम तुम्हें ढूंढते हुए हैदराबाद आए और तुम दोनों वहां मिल गए। उसे तुम दोनों की कमजोरी का पता चला और इसलिए वो सारे पैसे और प्रिया को अपने साथ ले आया। चलो उतरो। तीनों लोगों का राजा, दस सिरों वाला महाज्ञानी, वीरों का वीर, असुरों का महाराजा, लंकाधिपति, मुझे रावण कहते हैं। जिस नाम को सुनते ही तीनों लोग अचानक कांपने लगते हैं, जिसकी याद से ही बड़े बड़े राजा और वीर संकट में पड़ जाते हैं, वो नाम जिसके बोलने भर से देवता असुरों की रूह कांपने लगती है, मैं हूं पराक्रमी और भयंकर राजा, और मेरे तुच्छ और नीच भाई मेरे नाम की धज्जियां उड़ा के अपमान कर रहे हैं। मैं ये कदापि सहन नहीं करूंगा। मैं इसी समय अपने शस्त्र से उनका सिर धड़ से अलग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। क्यों, मेरा अभिनय कैसा लगा? ये एक्टिंग थी क्या? नाटक देख के सब अटक गया। कैसे हो भैया? कैसे से क्या मतलब, इसकी परवरिश अच्छी हुई तो ये ऐसा बन गया। मैं सड़क पे पला बड़ा तो ऐसा बन गया, लेकिन बदले की आग ने जय भाई को फौलाद बना दिया। काका, आइला मेरे पैसे। प्रिया, ट्रिपलेट्स, ये सब क्या है भैया? आप हम पर गुस्सा हो तो हमें उसकी सजा दो ना। प्रिया को इसमें घसीटने का क्या मतलब है? वैसे हम लोग को यहाँ पर क्यों लाया गया है? तुम दोनों अच्छे एक्टर हो ना, मेरे लिए तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। ओहो, तो ये बात है। लेकिन आजकल मल्टीप्लेक्स है, इंटरनेट है, नेटफ्लिक्स है, एंटरटेनमेंट के बहुत जरिए है, आजकल नाटक कौन देखता है? ए, तुम दोनों कोई स्टेज पर राम और लक्ष्मण का रोल नहीं करने वाले हो, बहरामपुर में रावण का रोल करोगे। मतलब? बताया था ना कि रावण चुनाव लड़ रहा है। तुम बहुत पढ़े लिखे हो ना, तुम रावण के इलेक्शन कैंपेन में जाओगे, अपनी बातों से लोगों को खुश करोगे और रावण को जिताओगे। जिसे लोग कोसते हैं उसे जिताना होगा? ये कैसे होगा? जरूर होगा। अपने प्यार को पाने के लिए तुझे ये करना ही होगा। खड़े खड़े सोच क्या रहा है बे? अजनबियों को लोन देकर रिकवरी के लिए उनके पीछे भागा है ना, अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता तू? ये करेगा जय, मैं करवाऊंगा इससे, और मैं इस घर में रह के तुम्हारी सेवा करूंगा भाई, हाँ, घर का ख्याल रखूंगा। अच्छा एक्टर है,
थैंक्स जय। हेलो नौटंकी, तेरा भी एक रोल है। मैं तो लोगों को चूना लगा के जिंदगी काटता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और उसी चालाकी से तुम तपन की बहन सिमरन को रावण के लिए हासिल करो। तपन की बहन? अरे बाप रे बाप, वो रिवेंज रानी? हाँ, तू सिमरन को रावण की तरह मिलेगा, उसके बदले की आग ठंडी करके प्यार के फूल खिलाने होंगे, रावण से शादी करने के लिए मनाना होगा। यानी मैच में जीतू और जय ट्रॉफी लेके जाएगा। हम दोनों एक जैसा चेहरा लेकर एक शहर में कैसे घूम सकते हैं बताओ मुझे। लेकिन वो दूसरे शहर में रहती है। आहा, मतलब मुझे रोज यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना होगा? ये गलत है जय, हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, प्रिया को कुछ मत करना, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। हाँ भाई, मैं भी रेडी हूँ। अरे लव भाई, इस प्राणी को मैंने पहले कभी देखेला है। मर गया मच्छर। अरे मामा, अल्ले अल्ले। चुप करो मामा, सालों पहले जो रॉकेट आग में जल के लॉन्च हुआ था वो यहाँ फिर से लैंड क्यों हो गया है? मैं यहाँ लैंड नहीं हुआ, वो मुझे लेके आया है। पर कब? किसी ने मुझे पैसे कमाने का एक आइडिया दिया, तो मैंने रावण का एक डब स्मैश बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। फिर क्या, जिसको नहीं देखना था उसने भी देख लिया और मुझे यहाँ ले आया। झुक जाओ मच्छर। आपने उसके साथ जो बचपन में किया ना, उसका वो अभी बदला ले रहा है मामा। सही कहा। हर रोज एक ही काम करना बहुत मुश्किल होता होगा ना? ऐसा नहीं है, बीच बीच में मुझे उन लोग टी ब्रेक भी देते हैं। चलो कम से कम चाय तो मुझे मिलती नहीं है। मिलती बाबा, सबको पिलानी पड़ती है। अपनी पकार पकार बंद करो और तुरंत काम पर लगो। आज से दुनिया की नजरों में तुम दोनों रावण हो। तुम्हारी चाल ढाल, बोलने का तरीका, सब कुछ मेरी तरह होगा। मेरे आदमियों के अलावा किसी को पता ना चले कि हम एक नहीं तीन हैं। रावण अपना सिर ऊंचा करके जीता है तो किसी के सामने झुका नहीं सकता। समझ गया? हाँ मैं समझ गया जय। ऐसे परफॉर्म करेंगे कि असली जय भी नकली लगेगा, ओके ना? मेरे सामने परफॉर्म मत कर, लोगों के सामने करना। ए, रुक, गाड़ी रुक, रुक। सारा शहर तेरी मौत की दुआ मांग रहा है और तू अपने लिए वोट मांग रहा है, बेशरम। एक राक्षस का भी नेता नहीं बन सकता। चल। सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है, तू हमारा बाल भी नहीं बाका कर सकता। वोट मांग रहे। बचाओ मुझे। कहाँ भागूं? मुझे प्रपोज करने की जरूरत करता है? इसकी वजह मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। ये लो, फूल लो। ये नन नन, उसके हाथ में है गन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ बाद में कर लूंगा, वो ट्रिगर प्रेस कर देगी। काम डाउन, उसको बोलो मेरे को नहीं। काम डाउन। ठीक है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ और निकलता हूँ। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। कहाँ जा रहा है भागने? हो जाएगा। छोड़ूंगी नहीं तुझे। चल। आई बड़ी। इतनी बड़ी लंका में मेरे पैसों को कहाँ छिपाया होगा? चलो ढूंढा जाए। मैं ही हूँ। इधर तो पूरी सोने की खदान है। और चिंदी चोर तो 5 करोड़ के पीछे पड़ा था, तू क्या गरीब कहीं का? लपेट लेता हूँ। आ गया राम जी, हनुमान आपका परम भक्त है। मत लो, मैं लव हूँ।
आइला तू है क्या? मेरे को लगा वो रावण आ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे यार ये सारा माल समेट कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा, उसके बाद मेरी लाइफ सेट। मैं कुछ समझा नहीं। बुलेट होती है ना, आज वो मेरे कान के पास से होकर गुजरी, पता है तुझे? वो लड़की मेंटल है जय के जैसी, इसीलिए मैं अपना माल लेके बट रहा हूँ, तू भी अपने माल को लेके भाग जा। नहीं नहीं ये गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है? उसका हमारे साथ भाई नहीं कसाई की तरह पेश आना गलत नहीं है क्या? गलत नहीं है। आज जब मैं बाहर गया था ना, तो मैंने लोगों की नजर में उसके लिए नफरत तो देखी। क्या प्यार दिखेगा? वो राक्षस बन गया है, राक्षस। पर इसके जिम्मेदार तो हम ही है ना। अबे हम कैसे जिम्मेदार हैं? वो अपने दोनों छोटे भाइयों पर कितनी जान छिड़कता था याद है ना? नीले अंबर की छोटी सी दुनिया, रहते थे पंछी तीन वहाँ, उनमें एक पंछी छोटा सा बच्चा जो सहता सारे दर्द जहाँ, प्यार करता साथ देता उसके जैसा भाई न दूजा, चलता काटो पे खुद जो फिर क्यों भूला दिल उसको। रहते थे पंछी तीन वहाँ, उनमें एक पंछी छोटा सा बच्चा जो सहता सारे दर्द। तुम तीनों ऐसे एक साथ रहोगे तो जय लव और कुश कहलाओगे। छोटी सी उम्र में ही हमने उनके प्यार को मार डाला और आज यही उनके राक्षस बनने की असली वजह बन गई। इसीलिए अब हमें उनके अंदर के राक्षस को मार के उन्हें एक आम इंसान बनाना होगा जिसके दिल में नफरत नहीं प्यार हो। अबे तू सटक गया है क्या? वो क्या सोने का बिस्किट है जो दुकान में जाके एक्सचेंज हो जाएगा? तू सड़ यहीं पर, मैं अपना सोना लेके यहाँ से कल्टी में तुझे जाने नहीं दूंगा। देऊ क्या एक? चल हट, मेरे को जाने का है। कहाँ जा रहा है? ओए माँ, राक्षस आ गया रे। डायलॉग क्या था याद ही नहीं आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अरे 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 अरे, वो कितने साल हुए ना हमने नाटक नहीं किया, तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे है ना। हाँ प्रैक्टिस। तो बता मुझे, ये यहाँ से भागना चाहता है? अरे वाह, सत्यवादी हरिश्चंद्र की क्या एक्टिंग की तूने, तू तो एकदम कैरेक्टर में घुस गया है। ये सब छोड़ो और सुनो जय, मुझे कल सुबह सुबह उस लड़की को इम्प्रेस करने जाना है, एकदम फ्रेश दिखना होगा, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। तुमको गप्पे मारने के तुम्हारो रुक जा। क्या हुआ? नहीं नहीं मैं नहीं भागूंगा, भागना छोड़ो मैं तो चलूंगा भी नहीं, मम्मी कसम। ए मामा बचाना। जॉय द मसाज भांजे, एक बार इसने किसी को उठा लिया तो फिर नीचे नहीं लगता है। क्या तुम जय को बदल सकते हो? मरते वक्त माँ की सिर्फ एक ही इच्छा थी प्रिया, वो चाहती थी हम तीनों भाई हमेशा साथ रहे, पर किस्मत का खेल देखो साथ रह के भी हम अलग है। मुझे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी प्रिया, मैं अपने भाई को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ भांजे। ये गाना क्यों बज रहा है और ये धुआं कैसा है? गाना भक्ति का है और धुआं अगरबत्ती का। सही कहा, मैंने अभी अभी आरती की है। ये आरती और प्रसाद लीजिए जेठ जी। जेठ जी आप तो ले लीजिए मामा जी। मामा ये बाबा बाहर कैसे आ गई? ये एक लेडी मच्छर है, ये महल के बाहर नहीं जा सकती लेकिन महल के अंदर रह सकती है, इसलिए छोड़ दिया। ये बाहर निकली तो तुम गए। आ जाओ भैया। मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। एक बात जानती हो प्रिया? हाँ? जब हम छोटे थे ना तो जय तब तक नहीं खाता था जब तक हमारा पेट नहीं भरता था, है ना कुश? सही बोला, सही बोला, बोलते जा। भले ही ये सबसे पहले पैदा हुए थे पर ये हमेशा हमें ही पहले रखते थे।
सच में तुम्हारा भाई तुम दोनों से इतना ज्यादा प्यार करता है? हाँ प्रिया, जान से ज्यादा। आपको ये सब याद है ना भैया, हम तीनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। हम तीनों कभी साथ थे ही नहीं। हमेशा अकेला था मैं। अगर आज के बाद मुझे अपने करीब लाने की कोशिश की ना तो मार डालूंगा। लव, दिल छोटा मत करो। पहले तुम अपने भाई का मकसद पूरा करने की कोशिश करो, वो अपने आप ही तुम्हारे करीब आ जाएगा। सेठ जी, बाढ़ की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। जितना भी बचा है उसे आप ले जाओगे तो हम क्या करेंगे? छोड़ दो सेठ। काका, यहाँ क्या हो रहा है? महाराज, इन किसानों ने हमसे लाखों का कर्जा लिया है और ब्याज भी नहीं चुका रहे हैं, इसीलिए इनका अनाज जब्त किया है। अगर रकम नहीं चुकाई तो पूरी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। इनका अनाज वापस करो और जाओ यहाँ से। जमींदार और रावण एक दूसरे के खास हैं, बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। भैया को जीतना है या नहीं? इस शहर में जितने भी बैंक मैनेजर्स हैं, सबसे कहो कि अभी के अभी यहाँ आकर मुझसे मिले। बैंकिंग सेक्टर में पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए एग्रीकल्चर को, पर आप लोग प्राइवेट फाइनेंसर्स के साथ साथ मिलके किसानों का हक छीनते हो। किसान की पूंजी को कभी जब्त मत करो। किसान हमारे लिए खून पसीना बहाकर अपने खेत जोता है, हमें उस जमीन को पानी से सींचना चाहिए, इनके आंसुओं से नहीं। आप बिजनेसमैन को लोन देते हैं, नुकसान होने पर वो देश छोड़ के भाग जाता है, पर हमारे किसान ऐसे नहीं। नुकसान होने पर भी ये उसी जमीन पर फांसी लगा के मर जाते हैं, पर गांव की दहलीज तक पार नहीं करते। हम सब जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय चुनते हैं, पर किसान वो व्यवसाय चुनता है जिससे हम सब जिंदा रह सके। Within 48 hours, I want loan sanction to each and every farmer in this region. Yes, sir. चाचा, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। पिज्जा मैडम। हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। शायद आपकी फ्रेंड ने ऑर्डर किया हो। लखनऊ मैडम, चिज्जी पिज्जा है। ये क्या है? ये क्या है मैं बताऊं क्या? ट्राई करके देखो। सुन, कौन आया था? शांत 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 हो जा। तू एक बार मेरी बात तो सुन ले। सुन तो, मैं जय नहीं हूँ, मैं उसका हमशकल भाई हूँ। हम तीन भाई है, जेरोक्स पे तो बोल तो कलर जेरोक्स है, एकदम सेम टू सेम। तू नहीं मानेगी ना, मेरे को पता था। सबूत मांगेगी ना, देता हूँ कसम टेक्नोलॉजी की। ये देख, शांत हो जा। हाँ भाई, क्या कर रहा है? अभी अभी ड्यूटी खत्म हुई है, अभी भैया के लिए खाना बना रहा हूँ। तुम अपनी सुनाओ। मेरी ड्यूटी अभी शुरू हुई है, ये देख। नमस्ते जी। इनके मुंह पर पट्टी क्यों बांधी है तूने? अबे येड़े सिर्फ मुंह पे पट्टी नहीं बांधी, हाथ पर भी बांधे। ये मानते नहीं अपना ट्रिपल रोल है, इसको वो राक्षस तो दिखा। गोश, भैया को राक्षस मत बोलो ना। ओ सॉरी मेरे भाई, चल अपने प्यारे भैया दिखा दे इसको। ठीक है भैया। क्या हुआ? मैंने आपकी फेवरेट फिश करी बनाई है। किसने कहा मुझे फिश करी पसंद है? मामा ने कहा था। नहीं नहीं,
यकीन हो गया? तो अब शांति से मेरी बात सुनना। क्या वो शैतान मुझसे शादी करना चाहता है? ये कभी नहीं होगा। लेकिन एक चीज हो सकती है, तू उससे अपना बदला ले लेना और मैं अपने पैसे ले लूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, उसे मारने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, तुम बस बताओ मुझे। तुझे मुझसे लव करना होगा। इम्पॉसिबल। अरे सिर्फ एक्टिंग करने की है। जय। पागल तुझे बुला रही है। जय। मैं तो जय हूँ। बोलो। कैसी एक्टिंग कर रही हूँ? इतनी अच्छी लगी कि मैं अपनी एक्टिंग भूल गई। बोले तो अब मैं इधर का राजा और तू मेरी रानी। हेलो, घर पर कोई नहीं है तो ये एक्टिंग क्यों? ओह सही कहा, भूल गया था। छोड़ो, हमारे प्लान का अगला कदम क्या है? एकदम सिंपल है, उसे यकीन दिलाओ कि तुम मेरी दीवानी हो तो वो तुम्हें महल में रहने देगा। मौका देखते उसको टपका देना, तुम्हारा मतलब ओवर। अरे इस तरह मुंह क्यों लटका रहे हो? तुम्हें भी तुम्हारे पैसे मिलेंगे, फिर चले जाना अमेरिका। हैप्पी ना? काहे का हैप्पी, मेरे को अमेरिका नहीं जाने का है। क्या? देखो लेडीज में मुझे सिर्फ एक लेडी से प्यार है, लक्ष्मी देवी से। उनके सिर की कसम खा के कहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा चोर हूँ। मैंने हमेशा लोगों का सामान और महंगी चीजें चोरी करने के बारे में सोचा, पर किसी का दिल चुराने का ख्याल ही नहीं आया। मैं 5 मिनट में कुछ भी चोरी कर सकता हूँ, पर तुम्हारा दिल कैसे चुराओ ये नहीं समझ में आता। अरे तुम इसे एक्टिंग कहती हो? मेरा ना दिमाग का दही हो गया है। देखो मुझ पर थोड़ा तरस खाओ और अपना दिल मुझे दे दो यार, मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा, देखना। हाँ। मैंने क्या बोल दिया? चलो मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। क्या किया रे कोश, गोल गोल बोल के अपनी पोल खोल डाली तूने। हमारे आदमी पार्टी प्रेसिडेंट से मिलने वाले, एक बार उनसे मिल ले तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है काका। मेरे को तो बोला था ये घर पे नहीं है। I love you too. आपण देखछंती ईटीवी न्यूज ओडिया। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ संध्या दवे। आने वाले एमपी चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं, ये इलेक्शन में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। रावण उर्फ जय कुमार ने पिछले कुछ दिनों में बहरमपुर में अपना चुनावी कैंपेन तेज कर दिया है। लोगों के दिल में जगह बनाकर जय कुमार उर्फ रावण ने चुनावी माहौल को अपनी ओर कर लिया है। ये देखिए अपना रावण। रावण की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर लगता है जैसे सिटिंग एमपी सरकार अब। रावण अकेले ये सब कैसे कर रहा है? अरे मालिका का, ये लेडी मच्छर अपना बोरिया बिस्तर लेकर क्यों आ गई? अरे तुम इतने हके पके क्यों लग रहे हो? इस तरह लॉन्ग डिस्टेंस लव कब तक चलेगा? शादी के बाद तो वैसे भी मुझे यहीं रहना है ना? मैंने हॉस्टल का रूम खाली कर दिया, अब से तुम मेरी सुनोगे और मेरा पकाया खाना खाओगे, ठीक है? रावण, इस लंका में अब शादी की शहनाइयां बजेंगी। ध्यान रहे वो उन हम शक्लों को गलती से देखने ना पाए। चलता हूँ मैडम। हाँ। क्या हुआ, क्या हुआ मैडम? कोई मच्छर आया? कहाँ है, कहाँ है? मार दूंगा। कोई मच्छर दिखे तो रावण को मत बताइएगा, प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है ठीक है। ये अचानक एंट्री काय को? अचानक एंट्री मतलब उसको मारना है ना? ये दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइजन है, इसको मैं उसके खाने में मिलाऊंगी और इसे खाते ही वो पक्का मर जाएगा। कैसा लगा मेरा प्लान? ठीक है बोलो, ठीक है ना?
लव, तुम्हारा इलेक्शन कैंपेन आज पूरा हो जाएगा, मतलब कल वो हमें यहाँ से हैदराबाद जाने की परमिशन दे देगा। हम कल ही निकलेंगे ना, आई एम सो एक्साइटेड यू नो। हम निकलेंगे सो निकलेंगे, ये सोचो उसके बाद इस घर में कितने प्राण निकलेंगे। बात क्या है? जरा पास आओ। हाँ? तुम लोग को क्या लगता है सिमरन यहाँ क्यों आई है? जय को मारने के लिए। वो अपने साथ पॉइजन लाई है ताकि उसके खाने या कॉफी में मिला के उसे दे सके। पता नहीं अब क्या होगा। जिससे प्यार करती है उसे क्यों मारेगी? मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई ली है। सिमरन ने मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाई ताकि वो घर में आके जय को मार सके। ये करते करते हम दोनों को प्यार भी हो गया। मैंने उससे कहा मैं उसकी मदद करूंगा, पर मैं उसे जय को मारने नहीं दे सकता। दो, 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 दो के बाद। धोखा देने की जरूरत कैसे की मुझे? भैया भैया प्लीज, भैया प्लीज कुश को छोड़ दो, ये मर जाएगा भैया। बचपन में मेरी पहचान छीनी तुम दोनों ने, अब मेरा प्यार मुझसे छीनने का प्लान बना रहे हो? रुक जा रहे। क्या क्या नाटक खेल रहे तेरा? अब कान खोल के मेरी बात सुन, तुम मुझसे प्यार करेगी और उसके बाद तेरी मेरी शादी होगी। रावण, रावण ये क्या कर रहे हो? ये मर जाएगा, छोड़ दो इसे। ये मेरा बदला है, बीच में जो आएगा उसको भी मैं मार डालूंगा। रावण, अभी अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है। तुम फुल मेजोरिटी के साथ जीत रहे हो। एक सवाल पूछना था। किसानों में तुम्हारी जबरदस्त फॉलोइंग है, लोगों के बीच तुम बहुत पॉपुलर हो। आखिरकार तुम्हें नेशनल लेवल पर अपनी पहचान मिल रही है। ऑल द बेस्ट। सुनो, रावण अब इलेक्शन जीत कर दिल्ली में मिनिस्टर बनेगा। भांजो, वो तुम दोनों को कल यहां से भेज रहा है। मैं हार गया मामा, अपने भाई को बदल नहीं पाया मैं। नहीं लव, मैं तेरे को हारने नहीं दूंगा। तूने उसको अकेले बदलने की कोशिश की, पर अब से तेरा भाई तेरे साथ है। जिस नाटक ने हम लोग को अलग किया था, अब वैच अपन तीनों भाई को एक करेगा। नाटक करेगा? ए, छोड़ो रे मेरे को, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ए, छोड़ दो मुझे, हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा आज। क्या हो रहा है यहाँ पर? रावण, एकदम सही टाइम पर आयो। बचपन में तुम हम दोनों को स्टेज के पीछे से नाटक करते हुए देखते थे ना, तो बताओ ये ज्यादा अच्छा एक्टर था कि मैं इससे अच्छा था? मैं तब भी इससे अच्छा एक्टर था और आज भी हूँ भैया। ए, अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो। तुम लोग एक बब्बर शेर के सामने चूहे की तरह पेश आ रहे हो। ये जय स्टेज पर नहीं आया इसलिए तुम दोनों बेकार में डींगे मार रहे हो। अगर जय ने स्टेज पर कदम रखा होता तो तुम मच्छरों का सफाया हो गया होता। तुम्हारा मामा तुम्हें ओपन चैलेंज देता है, दम है तो अपने बड़े भाई के साथ स्टेज पर उतरो, तुम्हें अपनी असली औकात मिनटों में पता चल जाएगी। बड़े एक्टर बनते हो खदो। तू बीच में क्यों हंस रही है लेडी मच्छर? आपने जब कहा रावण अच्छा एक्टर है तो मुझे हंसी आ गई। नाटक की तैयारी करो। जो आ गया भांजे। मैं हर किरदार को बखूबी निभाऊंगा और फिर देखूंगा कौन हंसता है। भाइयों और बहनों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सीता मैया को बचाने और सुरक्षित वापस लाने राम और लक्ष्मण लंका में रावण से युद्ध करने जाते हैं। इस सीन में लक्ष्मण का रोल लव करेगा। नमस्ते। और रावण का रोल कुश करेगा। राम का रोल रावण करेगा। सबकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा, देख लीजिएगा। दुष्ट रावण। अरे सिर्फ नाटक है, बैठ जाओ। रावण को बोला, कुश का कैरेक्टर है ना।
अब तो कम से कम अपनी बंद आंखें खोलो, अपने किए अपराध का पश्चाताप करो, श्री राम के पैरों में पड़ के माफी मांगो, कम से कम कुछ पाप कम होंगे, हम तुम्हें प्राण भिक्षा देंगे। इंद्रजीत के सिर्फ एक ही बाण से तुम मौत के मुंह में जाने के इतने करीब थे, तुम क्या मेरी प्राण की भिक्षा दोगे? रावण को समझ क्या रखा है तुमने? अपने आतंक से कैलाश पर्वत को चीर के भोलेनाथ को ढूंढा शिव भगवान के परम भक्त इसी रावण ने। मैं वो खूंखार और भयंकर महाराजा हूँ जिसने देवताओं और असुरों को मात दी है। दस सिर वाला ये लंकेश्वर सोने की नगरी लंका का स्वामी है। चक्रवर्ती रावण, लंकापति हूँ मैं। रावण महान है। भैया आप राम हैं, रावण की तारीफ क्यों कर रहे हो? हे मायावी, शांत हो जाओ, अभी तो सिर्फ मुंह खोला है। भांजे आगे बोल। बार बार खुद को दस सिर और लंकेश्वर बोलने से कुछ नहीं होता। तुम हम जैसे योद्धाओं से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। तुम इतने बड़े कपटी हो कि तुमने सीता को एक साधु बनकर छला और तुमने एक ऐसी औरत का अपहरण किया जो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। ऐसी औरत जो निहत्ती और कमजोर थी, तुमने जबरदस्ती उसे अपने प्यार में पड़ने को कहा। ये बुजदिली, मुझे ये सीन पसंद नहीं आया, बदल दो इसे। हमारे महाराज को पिछला सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो कैंसिल। अगले सीन में रामायण का वो दृश्य जिसमें राम भरत का मिलाप होता है, एक इमोशनल सीन जिसमें रामचंद्र जी की पादुकाओं का अभिषेक होता है। भरत का रोल करेगा लव, लक्ष्मण का रोल करेगा कुश, अहम रोल करेगा यानी राम का रोल हमारा रावण। भैया आपके बिना अयोध्या की चमक फीकी है जैसे अमावस की रात में आसमान होता है, और आपका ना होना हमें जीते जी अनाथ बनाता है। भैया मैं विनती करता हूँ आपसे, वापस आ जाओ भैया, हम फिर से आपके साथ रहना चाहते हैं। राम के मुख से निकला शब्द और कमान से निकला तीर कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। आपने जिंदगी भर हमारी रक्षा और देखभाल का प्रण लिया था, माँ को दिया हुआ वचन आप भूल गए क्या? जिस बड़े भाई ने वचन दिया था उसे तुमने बचपन में ही मार डाला। मेरे प्यार को तुमने नफरत में बदल दिया। बचपन में जब तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरा दिल गुस्से से भड़क उठता था। तब से ही मेरे लिए सारे रिश्ते खत्म। तुमने मेरे कंधे पर खड़े होकर फल तोड़े, झूठी थाली में खाया तभी एक शब्द नहीं कहा तुमने, उल्टा मेरा मजाक बनाया। मैंने सब सहा, ये इंतजार करता रहा कि कब तुम दोनों मुझे अपना सगा भाई समझोगे। माँ के जाने के बाद एक बार तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। खुद को भाई बोलते हो, अपने सगे भाई को तड़पता छोड़ उसके दर्द को महसूस तक नहीं किया। हमने गलत किया था, बिल्कुल गलत किया था, लेकिन हम लोग को हमारी गलती बताने वाला कोई नहीं था। हम उस तरह पेश आए क्योंकि तुम्हारा प्यार और दर्द महसूस करने की हमारी उम्र नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हम तुम्हें चाहते नहीं थे। शायद इसीलिए हम जिंदा होते हुए भी अनाथ जैसे जी रहे थे, पर हम तुम्हारी वजह से दोबारा मिले हैं। हमने रिश्ते की अहमियत जान ली है। हमारे आपको नजरअंदाज करने से जो दर्द आपको होता था, हम जब से यहां आए ना तब से उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। पता नहीं अपने बड़े भाई राम को साथ लिए बिना भरत कैसे चले गए थे,
पर हम नहीं जाने वाले हैं भैया। कहते हैं बड़ा भाई बाप और माँ की जगह होता है, भैया आप वही हो। अपने छोटे भाइयों को माफ नहीं करोगे। जैसा कि माँ कहती थी, तुम्हारे बिना हम सिर्फ लव और कुश हैं, पर तुम्हारे साथ हम जय लव कुश हैं। यही हकीकत है भैया। बस अपने भाइयों के साथ रह जाइए ना। रावण, जैसा तुमने कहा था, मैंने सरकार से कह दिया है कि तुम दो हो। वो अपने आदमियों के साथ बहरामपुर घाट पर तैयार रहेगा। साथ ही लवर कुछ जिस गाड़ी में सफर करेंगे उसमें वो 10 किलो RDX लगाने वाला है। सरकार के एक इशारे पर तुम्हारे भाई मौत की नींद सो जाएंगे। ये राज हमेशा राज ही रहेगा कि तुम दो नहीं बल्कि 3 हम शक्ल हो। पर रावण, वो हैं तो तुम्हारे भाई ही। अगर वो मर गए तो लौट के नहीं आएंगे। फैसला बदलना है तो यही सही टाइम है। हम लोग जा रहे हैं जय। तुम्हारे पहुंचते ही हम प्रिया को और सारा पैसा भिजवा देंगे। अब जाओ। भैया का ख्याल रखना। हाँ यहाँ आने पर डरे हुए थे और अब दर्द से भरे हुए हैं। अपना ख्याल रखना मामा। काका, कार में टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है। कुछ देर बाद बहरामपुर एक तेज धमाके से दहल जाएगी। कोई जिंदा नहीं बचने वाला है बॉस। क्या कहा तुमने? कार के नीचे बॉम्ब लगाया? ये क्या कह रहा है, मुझे यकीन नहीं होता। तूने इनसे कहा बॉम्ब लगाने के लिए? ये गलत है, पाप है। ये वो तुम्हारे भाई है जय। उनसे अनजाने में गलती हुई, पर तुम तो जानबूझकर गलती कर रहे हो। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उन्हें जान से मार देना चाहते हो? लव ने तुम्हारे राजनीतिक सपने को पूरा करने के लिए अपने दिलो जान से मेहनत की, और कुछ ने तुम्हारी खातिर अपने प्यार की बलि चढ़ा दी। तुम उनसे प्यार नहीं करते कोई बात नहीं, पर हाँ जोड़ता हूँ उन्हें मारो मत जय। मैंने तुम्हें डांटा, तुम्हें पीटा, तुम पर अत्याचार किए। तुम चाहे तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटा। अपने बाबा की बात सुन लो, अपने भाइयों को मत मारो, मत मारो। जाने दो। भाई आप इसे समझाइए ना, ये आपकी इज्जत करता है भाई, ये आपकी बात जरूर सुनेगा। इससे कहिए कि उन्हें कुछ ना करे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बोलिए ना भाई। बोल तो दिया। कल रात को मैंने सब कुछ बोल दिया उसे। रात को क्या बोला था आपने? सुन लव, काका ने कल रात को मुझे जय समझकर उनका सारा प्लान बता दिया। वो लोग अपन को मारना चाहते हैं ताकि किसी को पता ना चले।
ये आप उन तीनों हम शक्ल है। प्यार तो दूर की बात है, हम तो अपने भाई का भरोसा तक नहीं जीत पाए। अगर उन्हें लगता है हमारी मौत से उन्हें दुनिया में अपनी पहचान मिलेगी तो मुझे मरना मंजूर है। पता था फिर भी गए। सेम टू सेम। अपने भाषणों से जिस तरह से तुमने लोगों का दिल जीता मुझे शॉक लगा। मैं सोचने लगा ये वही रावण है क्या, लेकिन दूसरे रावण का तो मुझे पता ही नहीं था। समझ ही नहीं पाया कि तुम एक नहीं दो दो हो, बेवकूफ। एनीवे, तुम दोनों को यहीं पर मार कर गाड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे जानना है कि तुम में से रावण कौन है। इसीलिए एक बम्पर ऑफर देता हूं, किसी एक ने अगर बता दिया कि रावण कौन है तो दूसरे को बख्श दूंगा। मैं रावण हूं, इसे जाने दो। दोनों एक साथ मरेंगे ये बात हुई थी, अब ये क्या है? हम में से कोई एक ही बचेगा। तू एक शरीफ इंसान है, तुझे जिंदा रहना चाहिए। मैं तो वैसे भी किसी काम का नहीं हूं, बॉम्ब के फटने में अभी भी टाइम है, तो चले जा। मैं इन लोग को रोकने की कोशिश करता हूं। ए, क्या डिस्कशन कर रहा है? मैं रावण हूं, इसे जाने दो। नहीं, मैं रावण हूं, झूठ बोल रहा है ये। चुप! लव भाई, लव। अगर ये लव है तो तू है रावण। मेरे सामने मेरे बेटे की जबान काट डाली तूने। रावण के सामने लव की जबान काट दो। ए! काट डालो! ए! ए! कुछ मेरी बात मानना, तू जा यहां से। बचपन में मैं कभी कह नहीं पाया कि जय तू तुम्हारी ढाल है, और आज भी लव और कुश के आगे जय ढाल बन के खड़ा है। इन्हें बता दो कि तुम्हारे बड़े भाई के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये क्या, तीन? इन्हें जरा सी चोट लगती तो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाता था, और तूने इनका खून बहाने की गुस्ताखी की। रावण!
रावण नहीं, जय हो। लेकर जाओ। चलो। काका रावण, मैंने माँ से वादा किया था भाइयों का ख्याल रखूंगा। आपको कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा।
मैंने माँ का वादा पूरा कर दिया और मुझे भाइयों का प्यार भी मिल गया। अब मैं चैन से भैया सुना हुआ।